सरकार एक तरफ से वायदा करती है कि किसानों को तुरंत न्याय देने की बात कही जा रही है, लेकिन वही सीधी जिले के मंझौली ब्लॉक ग्राम पंचायत क्षेत्र ठोंगा में जयपाल कोरी जैसे हजारों किसानों के साथ विसंगति बनी हुई है। आइए हम जानते हैं एक न्यूज के माध्यम से। मैं कैलाश सिंह मरावी है, मेरा समुदाय। आपके साथ क्या समस्या है? हमारे पास भूमि समस्या है। ये समस्या कब से है? ये राजस्व विभाग आज 2017 से हमें प्रेरित किया गया है। क्यों किया जा रहा है? क्योंकि हम पुस्तैनी जोत बो रहे हैं, हमारे कब्जा 3 पुस्तका कब्जा हमारा है और पट्टा दूसरे के नाम पर पाया जाता है, तो उसको नक्शा सुधार के लिए आवेदन लगाए हम, तो आज तक तहसीलदार SDM द्वारा आज तक कोई निराकरण नहीं किया गया है। तो नक्शा सुधार क्यों जरूरी है? जरूरी इसलिए है कि वो दूसरे के हमारे कब्जे के भूमि जो है, जो हम जोत बो रहे हैं, तो दूसरे के नाम पर पाया जाता है और पुस्तैना काबिजदार हम हैं। इससे क्या परेशानी हो रही है? क्या स्थिति बनी है? स्थिति परेशानी ये है कि वो अपना सीमांकन करवाया तो हमारे में पाया जाता है और हम सीमांकन करवाते हैं तो उसके में पाया जाता है, तो जहाँ हमारा पुस्तैनी जो है, तो हमारी लड़ाई 9 नंबर की और 10 नंबर की है, तो वो नंबर हटा दिया जाए, जो 98 नंबर पाया जाता है 9 नंबर में, तो 10 नंबर से 98 नंबर बना है, तो वो हट जाए तो हमारा वो सेफ हो जाए, तो हमारा उसका भी बात खत्म हो जाए। तो ये नहीं करना चाहता है राजस्व विभाग, न पटवारी करना चाहते हैं, ना आरआई साहब करते हैं। तो क्यों करना नहीं चाहते हैं? क्या वजह है? वजह ये है कि हमारे पास घोष देने को नहीं है, रुपया देने को नहीं है, तो इसीलिए नहीं करते हैं। यदि हमसे जो मांग किए थे तहसील आरआई पटवारी जो मांग रहे थे, 10-10 हजार रुपए सब मांग रहे थे, तो हमारे पास नहीं है तो हम नहीं दिए, तो हमारा इसीलिए काम नहीं करते हैं। जो पंचायत निर्णय करती है तो उसका मान्य नहीं करता है राजस्व। पंचायत क्या निर्णय देती है? पंचायत ये निर्णय करती है कि भाई ये पुस्तैनी जयपाल चंदू कोरी कही है, 3 पुस्तका है, तो क्या ये सत्य है? ये सत्य है, तो तभी ना ग्रामवासी जो लोग जो हमारे कब्जे में जो बसे हुए हैं पुस्तैनी हमारे जोतार में है, तो वो खुद बता रहे हैं कि भाई ये फलाने का जोतार है, हमारा नहीं है, इसका यहाँ पर हमारा पट्टा कैसे हो गया, तो वो भी झूठ नहीं बोलते हैं, पर राजस्व विभाग झूठ बोलता है, हम लोगों को विवाद करा रहा है, अन्याय की लड़ाई करवा रहा है, घोस खाते हैं, घोसखोरी वाला काम ये चल रहा है। तो आखिरी बार सरकार से क्या कहना चाहिए? निराकरण हो जाएगा तो हमारी ही सरकार रहेगी, जो सरकार है, और जब नहीं, और जब हमारा काम नहीं होगा तो फिर ऐसी सरकार बनाने से हमको नुकसान है, तो क्या हम नहीं बनाएंगे भाई, दूसरी सरकार बनाएंगे। तो ऐसे कितने किसान के साथ स्थिति? हमारे पंचायत के अंतर्गत में कम से कम 80% लोगों का यही स्थिति बीती हुई है, क्योंकि आज से यहाँ जो 50-100 साल से यहाँ काबीदार हैं पुस्तैनी, 3 पुस्तका बसे हुए हैं, न उनका आज तक कब्जा उपलब्ध कराया गया और न पट्टा उपलब्ध कराया गया, और जिसका जो कब्जा है उसका पट्टा नहीं है, पट्टा है तो कब्जा नहीं है, यही परेशानी बनी हुई। तो क्यों परेशानी बनी है? परेशानी इसलिए बनी है कि भाई विवाद है कि कब्जा हमारा है, पट्टा दूसरे का है। तो अब क्या चाहते हैं? तो ये है कि जो भाई जोत बो रहा है वही भूमि का अधिकारी है, मालिक है, और जिसका जहाँ रिकॉर्ड पुराना पुस्तैनी पाया जाता है तो उसको दे दिया जाए, पहले उसका प्राथमिकता दिया जाए, फिर जो बसे हैं वही हैं तो उनको भी दे दिया जाए, बाकी तो मध्य प्रदेश सरकार की है, ये राजस्व भूमि है। तो आखिरी बार सरकार से आप क्या कहना चाहते हैं? अब आखिरी बार यही कि जो वादा किया गया था केंद्र सरकार और मध्य प्रदेश सरकार से, तो वो बात की पालन की जाए, यदि नहीं की जाती है तो हम लोग बदल देंगे भाई। किसको बदल देंगे भाई? यहाँ की जो नेता विधायक है, बदल उनको देंगे। क्योंकि ये नेता विधायकों का काम है। चारी राजस्व विभाग ये भी कहता है कि जो 181 में लगाएगा तो उसका काम नहीं होगा। क्यों क्यों नहीं होगा, ये भी तो हम पूछते हैं, क्योंकि उनको जिंदगी भर घोंस खाए हैं ना, इसीलिए कहते हैं कि शिकायत करोगे तो काम नहीं होगा, उनका घोसखोरी बंद हो जाएगी। ऐसे तो कर्मचारी कितने बार 181 में आपने? हम कम से कम 5 बिरकी हमने लगाए हैं, 5 बिरकी किए हैं, 5 बेरी का आज तक कोई निराकरण नहीं किया गया। तो आज आप मीडिया का क्यों सहारा ले रहे हैं? मीडिया का सहारा इसलिए ले रहे हैं कि हम अब हम गुहार नहीं मारेंगे तो हमारा सुनने वाला कोई नहीं है, यहाँ तो कोई कर्मचारी सुनता नहीं है,
यहाँ के नेता तो सुनते नहीं है। हम केंद्र सरकार और मध्य प्रदेश सरकार से वादा करते हैं कि अब गुहार लगाते हैं कि इसका निराकरण तत्काल करवाया जाए। ठीक है, सरकार यदि निराकरण नहीं करेगी तो क्या करेंगे? तो फिर क्या करेंगे? फिर सरकार ऐसी सरकार के फिर क्या करेंगे? ऐसी सरकार को हम थोड़ी बनाएंगे सरकार की जो हमारी नुकसान पहुंचाए जनता का, आम जनता का। ऐसा नहीं होगा। अन्याय को रोक दिया जाए और न्याय कानून बना दिया गया है जो केंद्र सरकार बनाई है, तो उसको पालन कर तब तो ठीक है। और नहीं तो सीधे सीधे जो कर्मचारी काम नहीं करता है तो उसको बता दिया जाए कि कब प्लेट धो में चल। अब के जो शासन के दलाल हैं ये कर्मचारी, ये सब गरीबन का ही बर्बाद कर देते, माने ऐसा स्थान रख देते कि सारे लड़ाए समझे थे। और वैसे उचित तैयार कि जेखर जहां जमुन है तो यथावत वह जगह पर हो चाहिए। अब वाला बताई कहाँ उनकर राम गोपाल सिंह के घर बना है जी। अब माने वो कुशवाहा के पट्टा यहाँ आएगा, कुशवाहा जाके घर जहाँ बना है तहा दद्दी सिंह के पट्टा आएगा, समझी थे। ये अच्छी चीज ही बर्बाद कहे हैं और ऐसे सब के कहे हैं। तो सरकार से आप लोग का क्या अपेक्षा है? अब अपेक्षा यह है कि मैंने हम लोग सबको मिलके ये बात का शासन के यहाँ सुनाई और ओखर सुधार कीन जाए। यदि सुधार हो जाए तो इसे क्या स्थिति बन जाएगी? फिर अच्छी बन जाएगी स्थिति। और आज क्या स्थिति है? आज तो एक दूसरे का तनाव बन रहा है, लड़ाई झगड़ा हो रहा है भाई। किसी का घर बना वहां पट्टा दिखाएंगे तो लड़ाई होना है। तो यदि सुरक्षित कर दिया जाए तो अधिक अच्छा है। हमारे पिताजी के पूर्वजों की जमीन जो है यहाँ सब हड़प लिया गया, लेकिन तो आज वो आज दूसरे की है, लेकिन ले लिए हैं, दे नहीं रहे हैं। तो सरकार वो हमारी जमीन दिलवाए। मैं यह वीडियो देखने वाले आप सभी दर्शकों से अपील करता हूँ कि यह वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। मैं फिर से मिलता हूँ अगले वीडियो में। मैं कैलाश सिंह मरावी, इंडिया नाहड के लिए।